हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, हम अपनी वीडियो को दोपहर के समय से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। मैं जाऊँगी, वर्षा के पापा जाएंगे, क्योंकि मुझे मतलब मेरी कढ़ाई एक ना ख़राब सी हो रही है, तो मुझे चेंज करके लेके आनी है। तो चलिए चलते हैं मार्केट, आप लोगों को भी घुमा के लेके आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और हम जा रहे हैं अपनी कढ़ाई चेंज करने, और ये सारे बर्तन बेकार हैं इनको हम चेंज करके लाएंगे। मेरी इतनी प्यारी सी, इतनी फेवरेट कढ़ाई थी ये, आज मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। और ये कढ़ाई हमारी काफ़ी पुरानी भी हो गई है। कितने साल की हो गई वर्षा? ये 12 साल की कढ़ाई हो गई है ना? 12 साल हो गए हमें इस कढ़ाई में, क्योंकि वर्षा 1 साल की थी ना जब हम आए थे यहाँ। क्या आई नहीं तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट और हम इन बर्तनों को चेंज करके लाते हैं। कढ़ाई लेकर आनी मुझे और देखते हैं क्या क्या लेकर आती हूँ। क्या थैला? हाँ थैला में डाल देते हैं। घड़ी बर्तनों के साथ बेच कम चलो चलो चप्पल पहनो। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की पास वाली मार्केट में ही। आज हम दूर वाली मतलब उत्तम नगर वाली मार्केट में नहीं गए हैं, वहाँ जाते हैं तो फिर बाइक लेके जाना पड़ता है, और यहाँ तो हम पैदल ही आ गए हैं। तो बस हमें 2-3 बर्तन ही लेने थे, कढ़ाई वगैरह लेनी थी, तो इसी वजह से हमें मतलब पैदल ही आ गए हैं हम। और हम यहाँ पे आए तो हमें ये वाली शॉप जो है बंद मिली, बर्तन वाली, और हम यहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे। भैया को हमने फ़ोन भी किया जो शॉप वाले भैया थे, तो बोल रहे हैं कि नहीं शाम को खुलेगी 6 बजे से। तो बस हम यहाँ पे काफ़ी थोड़ी देर खड़े होके और फिर हम अभी जा रहे हैं किसी दूसरी शॉप पे, कहीं और से देख के आते हैं और फिर वहाँ से ले कर जाएंगे। तो वहाँ से तो हम आ गए थे और अभी आ चुके हैं हम दूसरी शॉप पर। यहाँ से हम देख रहे हैं कढ़ाई, और ये हम पहले स्टील की कढ़ाई देख रहे थे लेकिन ये छोटी थी, ये ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई है। और भैया से भी देखते हैं कौन कौन सी कढ़ाई दिखाते हैं भैया, उसके बाद हमें कौन सी पसंद आती हैं, कौन सी हम लेके जाते हैं, आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगी। और भी हमें 1-2 सामान लेने थे, बच्चों के टिफ़िन वगैरह लेने थे, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं मिले थे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे घर पर जाके। अभी हम आ चुके हैं घर पर और चलते हैं अंदर, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ब्लॉग मेरा होने वाला है 2 दिन का, और जो जो भी मैं लाई हूँ नेक्स्ट डे दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो बने रहना मेरे साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। तो कल मैं गई थी मार्केट, तो मैं कुछ सामान ले कर आई थी, सामान नहीं मतलब कि 2-3 बर्तन ले कर आई थी, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, और आप लोग भी मुझे बताना कि कैसे लगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि एक बनाई हूँ ये कढ़ाई, अभी दिखाती हूँ ये कढ़ाई है, और ये पीछे से कुछ ऐसी है। एक कढ़ाई लेके आई हूँ मैं, एक लाई हूँ ये पलटने वाला, जैसे कि चीले वगैरह कुछ बनाते हैं ना, तो चीले पलटने में बहुत अच्छा होता, जो मेरे पास था वो टूट गया था, तो इस वजह से मैं दूसरा लेके आई हूँ। और अभी एक चीज़ और है जो कि दिखाना चाहती हूँ, एक कढ़ाई लाई हूँ मैं ये वाली, 2 कढ़ाई लेके आई हूँ, ये लोहे की कढ़ाई है और ये भी काफ़ी अच्छी है, भारी है काफ़ी, इसमें हम चाहे तो पूड़ी बना सकते हैं और चाहे तो सब्जी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बैक कैमरे से दिखाया है, काफ़ी बड़ी है ये कढ़ाई भी और काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी भी इसमें आ जाएगी, लेकिन ना पहले वाली जो कढ़ाई आती थी इस शेप में आती थी, और ये अभी दूसरी शेप की है, ये अंदर से बहुत ज़्यादा गहरी है। तो अब की बार मैं देखती हूँ इसको यूज़ करके कि कैसी निकलती है। और जो मेरी पहले वाली कढ़ाई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार था उस कढ़ाई से, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी मुझे वो कढ़ाई, एकदम हल्की थी, छोटी थी,
लेकिन बहुत अच्छी थी। तो फ्रेंड्स अभी हो गया शाम का टाइम, और जो मैं सुबह के टाइम में मतलब दोपहर के टाइम में कढ़ाई लेके आई थी ना, तो लोहे वाली तो अभी मैंने रख दी है, लेकिन जो दूसरी वाली बड़ी वाली कढ़ाई थी तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ मीठा बनाया जाए, नहीं तो कुछ भी बना लो लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता ना, सबसे पहले मीठा बनाना चाहिए नए बर्तन में जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैंने रख दिया खीर बनने के लिए, दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसमें इतने दूध गर्म होगा इतने मैं अपने चावल निकाल लेती हूँ, और दूसरी तरफ मैंने अरवी उबलने के लिए रखी हैं। तो देखिए चावल मैंने काफ़ी देर पहले डाल दिए थे और आप लोगों को काफ़ी देर के बाद में दिखा रही हूँ। लगभग यहाँ पे आधी खीर मेरी बन चुकी है, अभी थोड़ी देर और बनाना बाकी है। और इधर दूसरी साइड पे मैंने जो अरवी उबाली थी उन्हीं की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, सूखी सब्ज़ी अरवी की, थोड़ी सी हैं कोई बात नहीं, अभी लायक हो जाएंगी ये, कुछ खीर हो जाएगी कुछ अरवी हो जाएंगी। और साथ में बनाने वाली हूँ मैं पूड़ी, तो यही रहेगा आज शाम का खाना हमारा। तो फ्रेंड्स अभी हमारी खीर हो चुकी है तैयार बनकर, एकदम टेस्टी टेस्टी सी खीर। और अभी मैं इसमें नारियल घिस के डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है खीर में ऐसा नारियल डाल के, नारियल डाल दिया है और थोड़ी सी किशमिश डाल देती हूँ मैं। बादाम डाल दी थी लेकिन बच्चों ने नहीं डालने दी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बादाम नहीं डालना हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर किशमिश और नारियल डाल दिया, चीनी वगैरह मैंने इसमें डाल दिया है, और ये हमारी काफ़ी टेस्टी सी खीर बन के हो चुकी है तैयार। आप लोग भी खा लीजिए आके। और अभी मैं बनाती हूँ पूड़ी, बस पूड़ी और बनानी बाकी बची हैं, बाकी तो खाना तैयार हो ही चुका है। यहाँ पे रख दिया है मैंने तेल पूड़ियाँ बनाने के लिए, और जो मैं दूसरी वाली कढ़ाई लेके आई थी छोटी वाली लोहे की, उसी में आज पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो बस इस ब्लॉग का हम यहीं पर एंड कर लेते हैं। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।